नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित चैनल। स्लैब सिटी, जिसे दुनिया की आखिरी फ्री प्लेस के नाम से भी जाना जाता है, यह कैलिफोर्निया में रेगिस्तान के बीचों बीच है। यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई पानी नहीं है, यहाँ तक कि सड़कों के नाम भी नहीं है। अमेरिका के सबसे रईस शहरों में से एक होने के बावजूद स्लैब सिटी गरीबी और पीड़ा से जूझ रही है। मिलिट्री बेस के लिए वर्ल्ड वॉर टू में इस जगह का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने पूरी जगह को खाली कर दिया, जिससे फिर यहाँ स्क्रैप और कॉन्क्रीट स्लैब्स ही बच गए। उसके बाद ये एरिया स्लैब सिटी बन गया और देश के कई सारे अलग अलग हिस्सों से बेघर या एडवेंचर पसंद करने वाले लोग यहाँ आने लगे। अराजकता और परेशानी यहाँ हमेशा बनी रहती है और आज की तारीख में आज इस जगह का कोई नामो निशान नहीं है। पूरे एरिया की पॉपुलेशन हर मौसम में अलग अलग होती है। सर्दियों में स्नोबर्ड्स के आने की वजह से पॉपुलेशन 2000 तक भी पहुँच जाती है। गर्मियों के दौरान टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकता है, जिसे सहन करना कई लोगों के लिए मुश्किल बन जाता है और इस वजह से पॉपुलेशन घटकर 150 ही रह जाती है। नमस्ते, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, रुको मैं वापस आता हूँ अगर मैं आपको नहीं देख सका। हाँ, मैं आपको सड़क के आखिर में देख सकता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रूही है। रूही? हाँ। जैकरी? I've been in like a horrible position in my life right now. Somebody stole my cat. I've been in like severe depression for like 2 weeks. जलने से पहले आप इनका यूज़ कर रहे थे, है ना? Yeah, it was a motorhome. It was fresh and clean. I mean, it was nice. I just bought that truck about 4 months ago. They've already broken my tail lights. They've already flattened some tires. Such me? Yeah, and burnt two of my seats with a goddamn lighter for some reason. These people are sick in the head. इस जगह पर लोगों को दूसरों की प्रॉपर्टी या उनकी भलाई की जरा भी परवाह नहीं है। जैचरी की आरवी को जला दिया गया था, उसकी नई ट्रक जिसमें वो रह रहा था उसे डैमेज कर दिया गया था और बिना किसी वजह के उसकी प्यारी बिल्ली को चुरा लिया गया था। आप यहाँ क्यों आए? आपने यही रहना क्यों चुना? Because I can't go anywhere else and just like grab my piece of land. I've been homeless for 20 years. Slab City provides for me to have some stability. That's kind of where I stopped being homeless. ये पिछले 5 सालों से आपका स्थान रहा है, है ना? Yeah, I built this, all this. I ripped these out of the ground. क्या आपके यहाँ कोई दोस्त हैं? No. And I mean, these people have just been horrible to me, and they've been spreading rumors about me. आप अक्सर कितने बजे उठते हैं, काम करते हैं और सोते हैं? Not anymore. Just whenever. यहाँ किसी भी तरह का कानून न होने की वजह से बेघर और बेरोजगार व्यक्तियों को अपना घर बनाने का मौका मिलता है। लोगों को प्लास्टिक की टंकियों के जरिए साफ पानी मिलता है और जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। हालांकि यहाँ कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है और कचरे को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जाता है। यहाँ कोई पब्लिक सर्विसेज नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस, जो कि हर देश में होता है, वो भी यहाँ नहीं है। ये सब चीजें साबित करती हैं कि ये शहर बनाए गए सिस्टम से अलग काम कर रहा है। तो आप कैसे took all my tools though. हाँ, आप पैसे कैसे कमाते हैं? आप क्या करते हैं? I don't, man. हाँ, तो आप कैसे रहते हैं? I thought about selling my awesome salts. हाँ, you know, scraping off my body slather in the summertime, collecting all my sweat. हाँ, and then if I simmer it down. It'll leave the testosterone and salt. पैसे न होने की वजह से कुछ लोग चोरी भी करते हैं या डेस्परेट रहते हैं। जैचरी अमेरिका के उन 5 लाख लोगों में से एक है जो अपनी पूरी जिंदगी टेंट, वैन या कार्डबोर्ड पर बिता देते हैं। जैचरी समय समय पर झिझक रहा है और हम उसके साथ स्लैब सिटी के सेंटर की ओर जा रहे हैं। Oh yeah, I was taking my truck. I'm gonna try to be happy with my water and my rice. I don't wanna go looking around for beans. I'm just fine as I was. You guys are safe with me, I promise. हाँ, कोई बात नहीं। Hey Billy, I'm Zachary. You guys are checking me out, I'm sure. Oh shit, I don't know what's going on here. Are you not allowed to go this way? वो कह रहा है, जाओ। He says I can go. हाँ. I don't know, man. You're safe with me as far as I know. हाँ. Like you're letting some shit. I don't have a gun on me. डेविड उन लोगों में से एक है जो यहाँ मौजूद खतरों के बावजूद बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं। वह पिछले 6 सालों से रेगिस्तान के बीचों बीच रह रहे हैं। उनके पास सोलर पैनल, आरवी, बैकयार्ड, बैठने की जगह और एक चिमनी भी है। हालांकि शहर में रह रहे बाकी लोगों की तरह डेविड इस जगह के कानूनन मालिक नहीं है। उनके पास घर के कागजात नहीं है और वो इस जगह पर रहने के लिए टैक्स नहीं भरते हैं। The slabs is a evolving place. And when I came out here in the 90s, it was like the old time hippies. You know, the peace, love, the flower children, you know. That's what everybody is so kind to each other. One big thing that's really destroyed the slabs is
rocks. And they call them tweakers because they do enough of it and they go, they start going like this, you know. And another thing that they do is they become schizophrenic. You see people walking around, you're talking to themselves. And they don't seem to get along with their imaginary friend because they're yelling at them and screaming at them. Oh, and there's my rooster. Oh, ha. आप यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहते हैं? No, I'm all by myself. Oh, आपने काफी मेहनत की है. Yeah. Yeah, it's under construction yet. Because right in the corner here, there's going to be an outdoor fireplace. उन लोगों को ट्विकर्स कहा जाता है जो अजीब बर्ताव करते हैं, जैसे अजीब अजीब आवाजें निकालना, चोरी करना और लड़ाई झगड़ा करना, जो खतरे का सबसे बड़ा कारण है. ये सभी चीजें सामान को और बदतर बना देती है. ये वाली जमीन फ्री है, कम से कम इस्तेमाल करने के लिए तो फ्री है ना? Yeah, because we're squatters. हाँ, और ये चीज लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है. And been in Los Angeles? हाँ. You've seen all the people living on the street? हाँ. And so I'm thinking, well, why are those people living in Los Angeles like that when they could, you know, live out here in Los Angeles? If you're living on the street, tourists are walking by and they're looking down at those people. Yeah. क्या आपको कभी बेघर होने का एहसास हुआ है? That's a curious question, though. But I wonder. Do you feel yourself as being homeless? Oh no. I don't either. We're brought up to be very materialistic in this country. You know, we always want a bigger car or a better car or a bigger or better house. And I just come to the point where that stuff doesn't matter because you don't own anything. You only rent it until you're dead. आपको स्लैब सिटी के बारे में क्या पसंद नहीं है? If people that go around during the daytime, I call it shopping. They're looking to see what they can come get during the night. My mantra is I keep to myself and I mind my own business. If you're an older person, what you are is an easy victim. क्या आपके पास बंदूक है? Yeah. क्या आपने कभी अपनी आंखों से क्राइम होते हुए देखा है? I witnessed crimes against myself, but they threw Molotov cocktails at my house and I'm putting out the fire. Or people here out here at Slab City, they say don't call the cops for anything because it's more likely if you call the cops for something, more likely you're going to go to jail than the perpetrator. Kyun? I think that they're lazy. They don't want to bother looking for the perpetrator. They're going to arrest somebody. When logo ko yahi rakhna chahte hain? Yeah, they keep the people of Slab City here, keep the alcoholics out here. भले ही कैलिफोर्निया स्टेट लॉ इस एरिया में लागू होता है, लेकिन असल में अपराधों को ढक दिया जाता है और किसी को भी सजा नहीं दी जाती और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ रह रहे लोगों को परेशानियों की आदत है और वे सिर्फ तभी पुलिस को कॉन्टैक्ट करते हैं जब उनकी जान खतरे में हो. जिंदा रहने के लिए हर किसी को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए. इसके अलावा पास में बने हुए बेस पर मिलिट्री द्वारा जोर शोर से खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और वे इस एरिया में रह रहे लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं. इन लोगों की सुरक्षा के लिए मिलिट्री की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है. वे यहाँ कितनी बार बॉम्ब की टेस्टिंग करते हैं? Oh, it was just yesterday the dogs got scared, so you'll hear it today, I'm sure. Sometimes it is so bad, you know, everything just shakes it. लोग स्टेट से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करते हैं और वे अपनी जिंदगी से खुश हैं. वे नहीं चाहते कि पानी और बिजली यथास्थिति बरकरार रहे. If they bring electricity out here and then a flood of people come out here because it's easy to live out here, that would just destroy the slabs. यहाँ घूम रहे लोग कभी भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं. डेविड का कहना है कि वो अपनी गाड़ी से गैस की चोरी को रोकने के लिए अपनी कार को दीवार के करीब सुरक्षित और पैरेलल पोजीशन में पार्क करने की कोशिश करता है. स्लैब सिटी के एंट्रेंस पर एक सैल्वेशन माउंटेन बना हुआ है. इस माउंटेन को लियोनार्ड नाइट द्वारा बनाया गया था, जो कि बेघर थे और जिन्होंने इसे बनाने में अपने 30 साल लगा दिए. इन सब के पीछे उनका एक ही मकसद था, ईश्वर प्रेम है का मैसेज फैलाना. उन्होंने डोनेशन से इकट्ठा किए गए पेंट की हजारों बाल्टी और घास से इस शानदार माउंटेन को बनाया. साल 2002 में अमेरिका ने इस आर्ट वर्क को नेशनल ट्रेजर के रूप में मान्यता दी. आज की तारीख में सैल्वेशन माउंटेन एक मशहूर टूरिस्ट लोकेशन बन गया है. चलो इंटरनेट कैफे चलें. इस वक्त हम स्लैब सिटी के इंटरनेट कैफे में हैं. पहले ये किसी और का हुआ करता था, लेकिन अब इसकी बागडोर चार्ली के हाथ में है. स्लैबर्स यहाँ फ्री में कॉफी पी सकते हैं, अपना फोन चार्ज कर सकते हैं और इंटरनेट का यूज कर सकते हैं. साइकिल की रिपेयरिंग करके चार्ली थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है. I'm here hiding from the police. No, I'm just kidding. It was against the law to be homeless in Phoenix. You know they arrested me for it, and then I've heard of this place. I've been here ever since. इंटरनेट कैफे का ध्यान कौन रखता है? आप सोलर पैनल से एनर्जी इकट्ठा करते हैं और यहाँ रहने वाले लोगों को सर्विसेज देते हैं. But I couldn't own a bike shop out there. I cuss people out too damn much. Nobody would come to my bike shop. I'm just a hippie. I'm an addict too. आप यहाँ कैसे पहुँचे? Gave up, man. Honestly, I gave up. आपने समाज से हार मान ली थी? Gave up. I quit my job. I worked at LAX, man. I quit my job. I let my house go, and I just walked away. 80 साल के माइकल, जिन्होंने यहाँ अकेले जीवन बिताने का फैसला किया, आज वो हमें देखकर बहुत खुश हैं. आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 8 साल. क्या आप अकेले रहते हैं?
उन्होंने तुरंत हमें स्लैब सिटी के पुराने दिनों की एक फोटो एल्बम दिखाई। आज की तारीख में इस शहर में हमें ज्यादातर खतरा और गरीबी ही नजर आई, फिर भी लोग कभी यहाँ बहुत खुशी से रहा करते थे। आपने इस गाड़ी को कितने में खरीदा? 150. अच्छा। Try to match up two holes. There you go. All right. It won't take much wind to blow that one over. Why don't we go sit on the front porch? There's a place to sit. हाँ, क्यों नहीं? I want to go get my jacket, dude. तुम्हारी जैकेट कहाँ है? I have one for you, if you would. This is a place where they can be free, because nobody pays rent, and nobody has a landlord. उनका कहना है कि इस जगह पर कोई कानून नहीं है, ऐसा क्यों? Some people who are thinking that way will act that way if given an opportunity. So you got to be careful and don't be naive and don't leave your stuff around. I left that truck for one day and lost a radiator. आपसे मिलकर अच्छा लगा। Am I seeing things? I just wondered how many rocks have I collected. बॉलिंग बॉल से खेलते हुए और अपने रॉक्स का कलेक्शन हमारे साथ शेयर करते हुए उनकी एक्साइटमेंट देखकर हम समझ सकते हैं कि यहाँ वो कितने अकेले हैं। स्लैब सिटी अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। एंटरटेनमेंट, आर्ट, चर्च, हॉस्टल और यहाँ तक कि लाइब्रेरी के बारे में उनकी समझ हमारी सामान्य समझ से कहीं अलग है। यह स्लैब सिटी की लाइब्रेरी है, यहाँ कोई भी आ सकता है। डोनेशंस की मदद से यह अभी भी टिकी हुई है। यहाँ बोर्ड गेम्स भी हैं। इस जगह को एनार्किस्ट लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ किसी भी मेंबरशिप की जरूरत नहीं है और न ही यहाँ बुक को लौटाने की कोई निर्धारित तारीख है। अगर कोई किताब लेना चाहता है तो वह उसे लेकर जा सकता है। हम स्लैब सिटी के आर्ट के बीचों बीच है। इस जगह को ईस्ट जीसस कहा जाता है। आप यहाँ कई सारे अलग अलग आर्ट वर्क्स देख सकते हैं। इस जगह पर कई सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वे सिर्फ यहीं आते हैं। जहाँ स्लैबर्स रहते हैं वहाँ नहीं जाते, वे बस इस जगह पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। कीचड़, रिसाइकल किया गया और बेकार का सामान और जली हुई कारें, ये सभी स्लैब सिटी के आर्ट के आवश्यक टुकड़े हैं। गार्गोयल्स, मलबे के ढेर और डरावने कलेक्शन शहर की भावना को दर्शाते हैं। बहुत सारे पहियों से बनाया गया एक बड़ा मैमथ, एक स्क्रैप एयरप्लेन और गुड़िया के सिरों से ढकी एक कार, ये इस जगह की कुछ शानदार आर्ट वर्क्स में से एक है। Cars that they've burned. ये एक लिमोजिन थी, है ना? Yeah, the big one. तो इन लोगों को ये कार्स कहाँ से मिलती हैं? They may or may not have ever been stolen. वे इन कार्स को जला देते हैं और उनके चारों ओर पार्टी करते हैं। Yeah, big one. They had to drive over with their motorcycle and their flamethrowers. I wanted to show you where they go to a party. ये रेंज है, लोग यहाँ मिलते हैं और हर सैटरडे नाइट को पार्टी करते हैं। हम इस पार्टी में जरूर आएंगे। ये ओपन एयर स्टेज है जहाँ कॉन्सर्ट, परफॉर्मेंस और एनुअल बॉल होता है। स्टेज के कोई नियम नहीं है, कोई निर्धारित परफॉर्मेंस लिस्ट नहीं है, कोई भी खुलकर कुछ भी कर सकता है। लोग बड़े शहरों के सड़कों पर कार्डबोर्ड के टुकड़े पर सोने के बजाय स्लैब सिटी में इस खतरनाक माहौल को चुनते हैं, जहाँ अच्छाई और बुराई एक साथ रहती है। या तो पैसों की कमी के कारण या उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। अमेरिका दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों में से एक है, लेकिन कम से कम 600,000 लोगों को बेघर होकर अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है और ये नंबर हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक व्यक्तिवाद लोगों को अलगाव और अकेलेपन की ओर लेकर जाता है। इस देश में 12 साल और उससे ज्यादा उम्र की आधी पॉपुलेशन ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार किसी अवैध पदार्थ का सेवन किया है। साल 2000 से अब तक 1,000,000 लोग ओवरडोज की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। स्लैब सिटी को अल्टरनेटिव शहर के रूप में उन लोगों द्वारा बनाया गया था जो रहने के लिए टैक्स नहीं भरना चाहते थे। ये उन जगहों में से एक है जहां कुछ वास्तविकताओं को सबसे अच्छा महसूस किया जाता है। ये लोग रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसे रहते हैं जैसे कि उन्हें भुला दिया गया हो और अमेरिकन ड्रीम में विश्वास नहीं करते हों। अगर करंट सिचुएशन में कोई सुधार नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसी तरह की सिचुएशन अमेरिका के हर रिमोट कॉर्नर्स में दिखने लगे। मुझे उम्मीद है कि इस डॉक्यूमेंट्री ने दुनिया के प्रति आपके नजरिए को बदला होगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। रूही चैनत यहाँ पर था।